और भाई क्या हालचाल है? नेट की रिजल्ट तो आ चुकी है और इसमें काउंसलिंग भी चल रही है। जिनको कॉलेज मिल गए इनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं मिली मेरी तो ये एडवाइस है कि देखो क्या गलती किए क्या नहीं किए, इस बार अच्छे से देखो और एक साल और ड्रॉप लेके अच्छे से तैयारी करो और अगले बार तुम भी कॉलेज आओ। तो फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम बताएंगे कि आप कॉलेज आने से पहले क्या क्या खरीद सकते हो और क्या क्या आप कॉलेज आने के बाद खरीदोगे। तो सबसे पहले आते हैं जिससे हमारी पहचान है, हमारी रिस्पेक्ट है, हमारे एप्रन पे। तो देखो यार, किसी के कॉलेज के एप्रन पे लोगो लगा रहता है, किसी के कॉलेज के एप्रन पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बेटर होगा कि तुम कॉलेज आकर ही एप्रन लो, और जब भी लेना दो एप्रन लेना और अच्छी क्वालिटी का लेना, क्योंकि हॉस्टल में बहुत जल्दी गंदा होता है। फिर आते हैं इस पे, आई थिंक मुझे इसका नाम बताने की जरूरत नहीं क्योंकि नाम तो सुना होगा। मुझे फर्स्ट ईयर में इसकी तो उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि फिजियोलॉजी में जो भी एक्सपेरिमेंट होता है और जो भी टूल रिक्वायर होता है वो फिजियोलॉजी के लैब वाले प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मुझे हेल्प तब मिली थी जब मैं हॉस्टल आता था और जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता था उसका मैं दोबारा से प्रैक्टिस करता था, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी उस समय। फिलहाल मेरे पास ये डायमंड का स्टेथोस्कोप है। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में ही लिटमन ले लेते हैं, लेकिन मेरे मानो तो उसकी कोई जरूरत खास जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कोई गिफ्ट कर रहा है तो इसको जरूर लेना। फिर हम आते हैं आईपैड पे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें फर्स्ट ईयर में आईपैड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मेरा तो मानना है भाई फर्स्ट ईयर में आईपैड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट है उनके कई राइटर के बुक आते हैं। तुम सभी राइटर के बुक तो ले नहीं सकते, लेकिन सभी राइटर के बुक तुम पढ़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ द आईपैड। मैंने कई कोचिंग का नोट्स भी डाउनलोड कर रखा था अपने आईपैड में, और बुक का पीडीएफ भी डाउनलोड किया था, और एक ऐप आता है जो कि पूरे ह्यूमन बॉडी का 3D स्ट्रक्चर दिखाता है, जिससे मुझे मसल्स का अटैचमेंट, बोन और नर्व आर्टरी जिसे विजुलाइज करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। फिलहाल मेरे पास है आईपैड एयर 4 जो तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ। यह आईपैड एयर 4 256 GB की, जो कि मुझे नियर अबाउट पड़ा था 57,000 में, और इसके साथ मैंने लिया था आईपैड का पेंसिल जो मुझे 11,000 में उस समय पड़ा था। लेकिन इसके जगह तुम कोई और भी पेंसिल ले सकते हो, वो लगभग 2-3 हज़ार के पड़ जाते हैं। उससे तुम आसानी से इस पे जो भी काम करना रहता है कर सकते हो। ज्यादातर लोगों को पीडीएफ भी पढ़ना रहता है, तो आसानी से तुम पीडीएफ पढ़ सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो। अगर ये तुमको नहीं लेना तो इससे नीचे सेगमेंट में आता है आईपैड 9th जनरेशन, जो कि पड़ जाता है नियर अबाउट 27,000 से 28,000 में, और जो कि वो मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ मनी लगती है। फिर हम आते हैं बोन सेट पे। तो देखो यार, डिपार्टमेंट में इतनी तो बोन होती है कि तुम्हें वहां पे पढ़ने के लिए इजिली बोन मिल जाएगी, कोई सभी बोन वहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर लेकिन तुमको फिर भी लगता है कि मैं जितना वहाँ पे पढ़ रहा हूँ मेरे लिए सफिशियंट नहीं है, तो तुम ऑनलाइन परचेज के लिए जा सकते हो। और जब ऑनलाइन परचेज के लिए जाओगे तो वहाँ पे दो सेट में बोन मिलते हैं, यूनिलेटरल या फिर बायलेटरल। यूनिलेटरल में यह रहता है तुमको सिर्फ एक ही साइड का बोन मिलेगा, और बायलेटरल में रहेगा तुमको दोनों साइड का बोन मिलेगा। तो तुम प्रीफर कर सकते हो यूनिलेटरल का, और यूनिलेटरल में तुमको स्कल और सैक्रम जरूर मिलेगा उसमें। मेरे पास फिलहाल एक बोन है, अगर इसको पहचान गए तो इसका नाम लिख बताओ कमेंट बॉक्स में कौन से बोन है। फिर हम आते हैं मास्क और ग्लव्स पे। तो देखो यार, तुम्हें मास्क और ग्लव्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी डाइसेक्शन हाल में, क्योंकि वहां पे जो फार्मेलिन का स्मेल होता है इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि कई कई बार आंखों से आंसू लगता है तुम्हें। और रही बात ग्लव्स की, तो तुम बिना ग्लव्स पहने कैडेवर को तो टच कर नहीं सकते। मैंने तो कई बार बिना ग्लव्स के ही टच कर दिया था, लेकिन उस समय के लिए हाथों से मॉइस्चर चले जाते थे। तो तुम्हें मास्क और ग्लव्स की तो जरूरत पड़ेगी, तुम इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे। तो देखो यार, मेरे पास यह एक बोट का हेडफोन है और एक ईयरबड है, जिसको तुम कनेक्ट करके आसानी से अपना वीडियो लेक्चर देख सकते हो बिना किसी को डिस्टर्ब किए। अगर तुम इसको चाहते हो लेना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से तुम परचेज कर सकते हो। फिर हम आते हैं एकेडमिक पार्ट्स पे। तो देखो यार, मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि तुम कॉलेज आने से पहले बुक को ना लो। कई लोग ये करते हैं कि आने से पहले ढेर सारे बुक ले लेते हैं, और यहाँ कॉलेज में आने के बाद पता चलता है कि यार ये तो बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मेरा तो एडवाइस है तुम कॉलेज में आओ, तभी सीनियर से पूछो, बाकी सबसे पूछो कि कौन सी बुक अच्छी रहती है कौन सी नहीं, उसके बाद से तुम जाओ बुक परचेज के लिए। फिलहाल मेरे पास एक एनाटॉमी की बुक है, ये देख सकते हो। अगर तुम कहोगे तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके बाद। अगर भाई वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।